बाबा इसको इधर और मैं खुद कल बहराई जनपद में सूर्य पाठ से ही निकली हूँ बाबा के धाम में प्रार्थना के साथ कि बाबा सब ठीक करना, हमारे बच्चों का कल्याण करना, उत्तर प्रदेश के बच्चे देश का भविष्य बड़ा यूपी है, 78 जिले हैं, इतने जिलों में 31 तारीख तक हो जाएगा मैम? राहुल गांधी किसानों के साथ संसद घेरने में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और ये सौभाग्य है हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी प्रेरणा से, उनकी संकल्पना से हर काम बहुत अच्छे से हो रहा है। मदरसों को लेके स्मार्ट क्लास बनाने की कवायद चल रही थी, 14 अगस्त को डेडलाइन जारी की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन एक भी मदरसे वाराणसी के इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं हुए। मैम क्या लगता है, क्या मदरसे स्मार्ट क्लास के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से मैडम राहुल गांधी आज संसद में संसद घेर रहे हैं आज किसानों के साथ, किसानों के साथ राहुल गांधी ने संसद में किया दुनिया और देश ने देखा वो क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो खबर बन जाती है, आप लोगों के पास एक प्रश्न बन जाता है, अब वो क्या करेंगे वहाँ भी वो देखने का विषय होगा। सीरियस लीडर होंगे कि नहीं मैम, कुछ सलाह देंगे उनको? मैं तो उन्हें कोई सलाह नहीं चाहिए, लेकिन उनको जनता देख रही है, सलाह भी दे रही है, सीख भी दे रही है और बार बार उन्हें बता भी रही है कि वो किस स्तर के नेता हैं। आगे आप देखिए, आज वो करते तो खुद ही ना कुछ ऐसा कर देंगे कि एक बार आप लोग फिर उन्हें सुर्खियों में लेकर आए। प्रधानमंत्री को जिस तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के पार्टी अध्यक्ष होने के नाते इस तरीके की बात फैली, राजनीति की मर्यादा बड़ी नीचे गिरती चली जा रही है, किस नजरिए से देखती है मैम आप? मैम कल बीएचयू की कुछ छात्राओं